गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, YouTube की इस डिलाइट एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आप देख रहे हो क्लास 9 का मैथमेटिक्स का सीरीज नंबर 1। ये है वीडियो नंबर 50 और आप देख रहे हो चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की सीरीज। और इसमें ये क्लास 9 का फर्स्ट वीडियो है और टोटल नंबर में देखने जाएं तो ये वीडियो नंबर है 50। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और हम सिर्फ इस वीडियो के अंदर नंबर्स के बारे में कुछ बेसिक डिस्कशन करेंगे और साथ साथ में आपने क्लास 8 में रेशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया था और अभी हम बात करेंगे रेशनल के एक स्टेप आगे, मतलब इरेशनल और रियल नंबर के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लास 6, 7, 8 का रिकॉल करा देता हूँ कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। उसके बाद हम रियल नंबर का पूरा डोमेन समझेंगे, रियल नंबर किसको कहते हैं वो भी हम समझ लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग में लेते हैं, किसी डिस्टेंस, किसी जगह का डिस्टेंस मेजर करने के लिए, किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए, किसी भी क्वांटिटी का वेट मेजर करने के लिए, जैसे 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, 3 लीटर, 4 लीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो जो नंबर को हम काउंटिंग में लेते हैं वो सारे नेचुरल नंबर हैं। और इन्हीं नेचुरल नंबर से हम क्या करते हैं, अपनी सारी काउंटिंग्स करते हैं। नेचुरल नंबर के अंदर जीरो नहीं आता है, तो नेचुरल नंबर को हम एन से दिखाते हैं और सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है 1। अभी इस नेचुरल नंबर के अंदर जीरो भी ऐड कर दिया जाए तो आपको मिल जाएगा होल नंबर का सेट। होल नंबर के अंदर जीरो आ जाता है तो जीरो से शुरू होने वाले सारे नंबर्स होल नंबर में आ जाते हैं। तो नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, होल नंबर में जीरो आता है। होल नंबर है वो नेचुरल नंबर से बड़ा है, राइट। और अगर हम सारे नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दें तो नेगेटिव नंबर ऐड करने पर ये सारे नंबर्स इंटीजर बन जाते हैं। इट मींस इंटीजर में नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, ये सारे नंबर्स आ जाते हैं। जैसे ही मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आप 1 से देखोगे तो 1 से सारे नंबर तक नेचुरल नंबर हैं। अगर उसमें आपने जीरो भी ऐड कर दिया तो वो होल नंबर बन जाएगा। और अगर आपने ये सारे नंबर्स को ऐड कर लिया तो ये आपके लिए इंटीजर का सेट बनके रेडी हो जाएगा। सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है 0 और सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर है माइनस इनफाइनाइट और सबसे बड़ा इंटीजर है प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। ये हमने काफी अच्छे तरीके से नंबर सिस्टम वाले वीडियो में भी कवर किया है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप हमारी नंबर सिस्टम वाली वीडियो एक बार कवर कर लीजिए। पूरा प्लेलिस्ट बना के दिया हुआ है, A to Z डिस्कशन किया हुआ है उसके ऊपर, नंबर सिस्टम और नंबर लाइन के ऊपर, दो रेशनल नंबर के बीच में नंबर्स को कैसे फाइंड किया जाता है, किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे कैसे दिखाया जाता है, वो सारा कुछ हमने उस प्लेलिस्ट में, उस वीडियोज में कवर किया है। प्लेलिस्ट का नाम है नंबर सिस्टम, तो आप एक बार विजिट कर लीजिए, चेक कर लीजिए और इस वीडियो को देखिए। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट पे चलेंगे। तो अभी हम बात करेंगे रेशनल नंबर पे। तो रेशनल नंबर क्या होता है, ये ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप पी बाय क्यू फॉर्म में दिखा सकते हो। पी मीन्स न्यूमरेटर और क्यू मीन्स डिनोमिनेटर, बट टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि क्यू है वो कभी भी आपका जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे आप फ्रैक्शन लिखते हो 4/3, 2/3, 2/7, 9/4, -2/3, तो ये सारे रेशनल नंबर हैं। मगर अगर आप 2/0 लिखोगे तो 2/0 में क्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, तो ये रेशनल नंबर नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि नीचे वाला नंबर मतलब क्यू है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए, किसी भी नंबर को पी बाय क्यू फॉर्म में दिखा सकते हैं तो वो सारे रेशनल नंबर हैं। जैसे मैं बोलूं कि 4/3, तो 4 में पी इज इक्वल टू 4 हो जाता है और क्यू इज इक्वल टू 3 हो जाता है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। फिर
अगर 2/3 है तो 2/3 को आप देखोगे कि ये तो पॉइंट वाला नंबर है, डेसिमल नंबर है, मगर आप चाहो तो इसको भी पी बाई क्यू हमें लिख सकते हो कैसे, 23/10, तो ये आपका पी हो गया और ये आपका क्यू हो गया, तो ये भी रेशनल नंबर है, राइट। अगर 4 की बात करें तो 4 तो नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, मगर अगर आपको इस 4 को रेशनल नंबर दिखाना है तो आपको उसको p by q फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4/1, तो ये भी रेशनल नंबर हो जाता है, ये p by q फॉर्म में आ गया, ये भी रेशनल है। अगर 0 की बात करें तो 0 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि मैं 0 को 0/1 लिख सकता हूँ, ये भी रेशनल है, राइट। अभी हम बात करेंगे -2 की, तो -2 को मैं लिख सकता हूँ -2/1, तो ये भी रेशनल नंबर है। फिर 0.07 की बात करूँ मैं, तो 0.07 को मैं 7/100 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद में दो नंबर्स आ रहे हैं, तो ये भी रेशनल नंबर है। 2/10 ऑलरेडी p by q फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये भी रेशनल नंबर है, राइट। अब बात करेंगे किसी भी रूट के अंदर जो प्राइम नंबर्स आते हैं, प्राइम नंबर्स की बात कर दूं तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, फर्स्ट फैक्टर इज 1 एंड सेकंड फैक्टर इज नंबर इटसेल्फ। एक बार फिर से रिकॉल करा दूं, 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ऑल नंबर एंड नंबर इटसेल्फ इज द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ और दैट नंबर। तो रूट के अंदर कभी भी प्राइम नंबर आते हैं, जैसे 2, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 1 से 100 में 25 प्राइम नंबर्स हैं। अगर ये सारे प्राइम नंबर्स में से कोई भी प्राइम नंबर को आप रूट लगा दोगे तो आप उनको पॉइंट में लिख सकते हो, मगर पॉइंट के बाद कितने नंबर आएंगे वो आप नहीं कर पता कर पाओगे, ये नंबर लगातार चलते रहेंगे। तो आप इस नंबर को p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। तो क्या होगा अगर किसी नंबर को हम p by q फॉर्म में ना लिख सकें, तो ऐसे कोई नंबर जिनको p by q फॉर्म में ना लिखा जा सकता है या नहीं लिख सकते हैं, तो उस नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे रूट थ्री की बात करूं तो जैसे यहां पे था कि 0.07, यहां पॉइंट के बाद में दो नंबर है तो मैंने 100 लगा दिया। अब यहां पे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि पॉइंट के बाद में कितने नंबर हैं, तो मैं इस नंबर को लिख के मैं कितने जीरो लगाऊं, नीचे डिनोमिनेटर में मैं कितने जीरो रखूं, तो ये p by q फॉर्म में आ जाएगा, ऐसा मुझे कोई आइडिया नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद लगातार नंबर आते ही रहते हैं, तो मैं इसको p by q फॉर्म में नहीं लिख सकता। इसीलिए जो रूट थ्री है वो इरेशनल नंबर नहीं है। वैसे हमारे पास कई सारे नंबर हैं, रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए तो आपको समझ जाना है कि वो इरेशनल नंबर है और रेशनल नहीं है। अभी हम और थोड़ी सी बात करेंगे, रूट फाइव, ये 5 प्राइम नंबर है इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। फिर रूट ट्वेंटी फाइव का रूट निकलता है 5, और 5 को आप p by q फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब ये रेशनल नंबर है। √225 ये 15 का स्क्वायर है, और 15 को आप p by q फॉर्म में लिख सकते हो, इसलिए √25 भी रेशनल नंबर है, √25 भी रेशनल नंबर है। √11 इज अ प्राइम नंबर, देयरफॉर रूट ऑफ प्राइम इज इरेशनल, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो अब थोड़ी सी हम बातें डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हैं, क्या सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हैं। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, नेचुरल नंबर में ले रहा हूं मैं 4, तो क्या मैं 4 को रेशनल नंबर दिखा सकता हूं? ऑफ कोर्स 4/1 ये रेशनल नंबर है, दैट मींस ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल। बट इसका उल्टा करेंगे, ऑल रेशनल नंबर आर नेचुरल। लेट मी से, अगर मैं 4.3 की बात करूं तो 4.3 ये पॉइंट वाला नंबर है, और 43/10 करेंगे तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो सारे रेशनल नेचुरल नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा। ऑल नेचुरल रेशनल ट्रू, बट ऑल रेशनल आर नेचुरल नो। फिर ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, -3 की बात करें तो -3 को मैं रेशनल नंबर में लिख सकता हूं, -3/1, बट मैं 4/3 की बात करूं
तो 4/3 इज अ रेशनल नंबर क्योंकि इसको हमने पी बाय क्यू में दिखाया है, बट 4/3 है वो तो इंटीजर नहीं है। तो सारे इंटीजर हैं वो सारे रेशनल नंबर हैं वो इंटीजर नहीं होते हैं, बट सारे इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि -4 है, तो -4 को मैं -4/1 लिख सकता हूँ, ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि इंटीजर को रेशनल आप दिखा सकते हो। बट मैं 4/3 की बात करूँ, 4/3 इज अ रेशनल नंबर, इसको मैंने पी बाई क्यू फॉर्म में दिखा दिया, बट 4/3 इज नॉट इंटीजर, तो ये सारे रेशनल नंबर्स इंटीजर नहीं है। 0 इज रेशनल नंबर, हाँ अभी हमने देखा था, हमने पिछले वाले पेज में स्टडी किया था, 0 को 0/1 लिख सकते हैं तो ये रेशनल नंबर है, इट मीन्स ये आपका ट्रू हो जाएगा। तो अभी तक हमने समझ लिया कि रेशनल और इरेशनल क्या होता है, नेचुरल होल इंटीजर क्या होता है, सारे नेचुरल होल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर, नॉट होल, नॉट नेचुरल नंबर, हम इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। अगर किसी रूट के अंदर प्राइम नंबर्स आ जाते हैं तो वो भी इरेशनल नंबर होते हैं क्योंकि आप उनको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं दिखा सकते। मैं आपको फॉर योर शेक ऑफ नॉलेज, मैं पाई की वैल्यू की बात करूं तो पाई की वैल्यू हम लिखते हैं उसको डेसिमल में तो उसकी काफ़ी बड़ी वैल्यू आती है, मगर हम उसका सिर्फ पॉइंट के बाद 2 नंबर तक ही लिखते हैं, तो पाई इट्सेल्फ इज अ रेशनल इरेशनल नंबर, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हम थोड़ा सा एक बात डिस्कस करेंगे कि रेशनल कब बोलें, इरेशनल कब बोलें, और इसके बारे में कुछ जुड़े कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है, कंडीशन ऑफ इरेशनल नंबर। तो कब हम इरेशनल नंबर बोलेंगे किसी को, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, टर्मिनेटिंग नंबर्स आर रेशनल नंबर। अब समझ लेते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि कुछ नंबर्स आने के बाद स्टॉप हो जाना, रुक जाना। टर्मिनेट मतलब रोड स्टॉप हो जाना, रुक जाना, अटक जाना। तो जैसे 2/10 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0/2। अब मुझे मालूम है कि 2 के बाद में कोई नंबर नहीं आने वाला, मतलब ये यहाँ पे स्टॉप हो गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2/10 और 0.2 इज अ टर्मिनेटिंग नंबर, राइट। यहाँ पे मैं 4/5 की बात करूं तो 4/5 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 0.5 8 जा 40, 0, इट मीन्स 0.8। अब 8 के बाद कोई नंबर नहीं आने वाला है, इट मीन्स इट इज अ टर्मिनेटिंग। अब 7/8 की बात करूं मैं, ऊपर वाला अंदर नीचे वाला बाहर, यहां पे 8 आ रहा है, सॉरी 6 आएगा, पॉइंट ऑलरेडी रख दिया है तो मैं यहां पे 0 ले रहा हूं, फोर बचा, पॉइंट ले लिया है 0, मतलब 8/7 को मैं 0.875 के फॉर्म में लिख सकता हूं। इसके बाद कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, मतलब 2/10, 4/5, 7/8, ये सारे नंबर्स डेसिमल में लिखने के बाद, कुछ नंबर आने के बाद यहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं। तो जो नंबर स्टॉप हो जाते हैं उन नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। और एक बात हमेशा याद रखनी है, टर्मिनेटिंग नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, रुक जाते हैं कुछ नंबर्स आने के बाद, वो सारे नंबर्स रेशनल नंबर हैं। इट मीन्स 2/10 इज रेशनल, 0.2 इज ऑल्सो रेशनल, 4/5 इज रेशनल, 0.8 इज ऑल्सो रेशनल, 7/8 इज रेशनल, 0.875 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और नया वर्ड आएगा जो आपने अभी तक नहीं सुना है। टर्मिनेटिंग नंबर्स को हम रेशनल नंबर बोलते हैं, ये आपको क्लियर हो गया हो गया, मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आपने ये अच्छी तरीके से समझ लिया है। नंबर स्टॉप हो जाते हैं तो टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग है इट मींस वो रेशनल नंबर है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब रुकना, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब लगातार चलते रहना। जैसे यहां पे एक नंबर लिखा हुआ है 3/10, राइट, तो ऊपर वाला अंदर नीचे वाला बाहर, 0.10 3 जा 30,
जीरो हो गया, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.3, और यहाँ पे मैं 1/3 लिखा हुआ, देखो यहाँ पे ये स्टॉप हो गया, मतलब ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, इट मीन्स ये रेशनल है, राइट। मगर 1/3 की मैं बात करूँ, ऊपर वाला अंदर नीचे वाला बाहर, 0.33 9, 1 पॉइंट रखा हुआ है, 0.33 9, 1 0.33 9, 1 0.33 9 1 0। इस तरीके से ये सम्स तो आगे 3 3 लगाते चलो, पूरी उम्र निकल जाएगी, मगर ये सम खत्म नहीं होगा। इट मीन्स कि इस नंबर को हम ऐसे ले सकते हैं 0.33333333, ये आपके घर तक आएगा, इतना लंबा हो जाएगा और फिर भी रुकेगा नहीं। इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, ये रुकने वाला नहीं है। तो जो नंबर ऐसे रिपीट होते रहते हैं, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, NTR, नॉन टर्मिनेटिंग, ना रुकने वाला और रिपीट होने वाला। तो ये नंबर देखो, ना तो रुक रहा है और देखो 3 3 3 3 3 रिपीट रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर को भी हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। तो देखो यहां पे तो जीरो के बाद में कितने 3 आएंगे किसको मालूम, तो क्या इसको हम P/Q में लिख सकते हैं? हाँ, देखो ये रेशनल नंबर बोला हुआ है 0.33333333, इसको हमने रेशनल नंबर बोला हुआ है। इट मीन्स इसको हम कहीं ना कहीं पे P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे अगले वाले वीडियो में देखेंगे, कि किसी भी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नंबर को रेशनल में कैसे दिखाया जाता है, हम आगे वाले वीडियो में समझेंगे। जैसे मेरे पास कोई नंबर है 0.33333333, तो देखो पॉइंट के बाद में 1 2 3 4, तो मैंने लिख दिया कि 3 3 3 3 by 1 2 3 4। तो अगर नंबर अटक जाता है तो मैं तो लिख सकता हूँ उसको P/Q फॉर्म में, मगर ऐसा हुआ 0.33333, ये लगातार चलते ही जा रहा है। तो अब पता नहीं मुझे यहाँ नीचे लाइन करके कितने जीरो लिखने हैं, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं यहाँ पे कितने नंबर आ रहे हैं। तो क्या आप इसको P/Q में लिख सकते हो? हम इस नंबर को P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, बट फिर भी हमने इस नंबर को रेशनल की कैटेगरी में डाला है, और रेशनल का मतलब होता है उस नंबर को P/Q फॉर्म में दिखाना। तो हम आपको ये करके दिखाएंगे कि अगर ऐसा केस होता है, नंबर रिपीट होते हैं, तो भी हम उसको P/Q फॉर्म में कैसे दिखाते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। तो टर्मिनेटिंग होता है वो भी रेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है वो भी रेशनल है। अब अभी आगे हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो रिपीट नहीं भी होते हैं और स्टॉप भी नहीं होते हैं, जिसको हम बोलते हैं NTNR। जैसे मैं बात करूं 1/7 की, तो जैसे यहां पे देख सकते हो आप, 1/7 की मैं बात करूं तो यहां पे देखो, ऊपर वाला अंदर और नीचे वाला बाहर जाएगा, 0.15 3 0 7 5 7 4 2 0 7 2 14 6 0 8 56। फोर देखो, वापस यहाँ पे 4 का रिपीटेशन हो रहा है, देखो 4 4 आ रहा है, तो 0 लगाएंगे, 7 5 35, देखो ये 5 आया, मतलब देखो यहाँ पे 3 बच रहा है, यहाँ पे 6 बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है, यहाँ पे 5 बच रहा है, मतलब कोई ऑर्डर फिक्स नहीं हो पा रहा है, कोई नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। और देखो ये आगे चलता ही जाएगा, देखो ये नंबर है, आगे चलता ही जाएगा, नंबर आते ही जाएंगे आगे, तो आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाओगे। और ये तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ इसका आंसर 0.14282, ये आगे कंटिन्यूस है, अभी भी मालूम नहीं है। देखो इसमें क्या हो रहा है, कि पहली बात तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग, और दूसरी बात है ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है, लगातार चलते जा रहा है। देखो अभी नंबर और आगे आएंगे, जितना आप डिविजन करते जाओगे नंबर ऊपर 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 बढ़ते जाएंगे, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है।
तो ऐसे नंबर होते हैं जिसको बोलते हैं NTNR, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, और ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे अभी मैं बात करूं कि 1/7 का आंसर इतना आया, तो 2/7 का आंसर कितना आया, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाइए तो 4, इसको 2 से कराएंगे तो 6, कैरी गया 1, 2 4, 2 2 ज़ा 4 प्लस 5, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 1.0। तो 2/7 का आंसर क्या आ जाएगा, 0.28564। आप लगातार इसको करते जाओगे। अब आपको कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा बोलते हैं कि 1/7 और 2/7, ये दोनों अभी आपने सॉल्व किया कि 1/7 और 2/7 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब ये क्या हुए, इरेशनल नंबर हुए। तो आपको बोला गया है एक्सरसाइज के अंदर कि 1/7 और 2/7 इरेशनल नंबर हैं, तो आप इनके बीच के कोई 5 इरेशनल नंबर निकालिए। तो इसका आंसर क्या हुआ था, 0.14282, और इसका आंसर क्या हुआ था, 0.28564। तो इन दोनों के बीच में 5 नंबर निकालना है, तो आपको क्या करना है, 0.15 कर देना है, 0.16 कर देना है, 0.17 कर देना है, फिर 0.18 कर देना है, और 0.19 कर देना है। फिर आप वही नंबर को कुछ ना कुछ आगे नंबर लिख सकते हो, जैसे 4, 6, 7, 8, 9, 3, क्योंकि ये सारे नंबर्स आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो क्योंकि ये सारे नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स इन दोनों के बीच में आने वाले हैं, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो पार्ट वन हम यहाँ तक ही रखते हैं कि किसको इरेशनल किसको रेशनल, कब इरेशनल नंबर बोला जाता है, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, NTNR NTR और टर्मिनेटिंग, ये सारे कंसेप्ट के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कशन किया है। अगर आपको भी अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए। हम पार्ट टू में मिलते हैं, आप हमारा पार्ट टू जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।